हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, दिस इज जयता, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 28th of September, हम लोग अभी खड़े हैं ले पे, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके बस थोड़ी देर में साइट सीन के लिए निकल जाएंगे। चलिए चटाचट ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, और ब्रेकफास्ट में आज थोड़ा मेनू चेंज रहा, तो मैं दिखा देती हूँ। कल की तरह एज यूजुअल कॉर्नफ्लेक्स, एंड ये आलू का पराठा है, ये पोहा है, और सैंडविच तो है ही, बॉयल अंडा एंड फ्रूट्स। पहाड़े जल के सब समय किंतु पेट खूब भालो, पानी पीना है। हाँ, पानी पीना है। हाँ, देखिए इसने लिया है पोहा और आलू का पराठा, और इसका हो गया। ये आप जल्दी से देख लीजिए, यहाँ का जो सिटिंग एरिया है, सामने जो चेयर रखा हुआ है, यहाँ पे लॉन है, आप लोग यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सा एक जगह है। बस हम लोग अभी कार में बैठने जा रहे हैं। ये हम लोगों का भैया आ गया, रास्ता के नीचे आ गया। पूरा नहीं भी तो ठीक करे वीडियो আবার সেই সব পুরো নিচ্ছে না, ঠিক আছে। আর ওটা তাহলে কার মাউন্টটা দিয়ে দেনা, কার মাউন্টটা এখন তো লাগানটা টাইম লাগবে, ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে কোথাও দাঁড়ালে লাগা, ঠিক আছে। কি হবা, আধার কার্ড গুলো সব হোয়াটসঅ্যাপ করতে, হ্যাঁ চেক কর দেগা আপনার নাম্বার তো। है ना ये वाला डाइना वाला, ये क्या है? ओ, आर्मी कैंप है। फिर तो यहाँ पे वीडियो करना ठीक नहीं है। हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं हॉल ऑफ फेम। इसके अंदर अगर आप कैमरा करोगे या मोबाइल, सब कुछ चार्जेबल है। कितना चार्ज मैं खुद देख के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और एक चीज़ है, अभी जो टेम्परेचर है उतना ठंड अभी नहीं लग रहा है, तो जैकेट वगैरह अभी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, बट शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है अभी। तो सितंबर के एंड में ऐसा ही कुछ टेम्परेचर रहता है, लेकिन अक्टूबर के 15 तारीख के बाद यहाँ पे बर्फ़ गिरना चालू हो जाता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन कल जब आके पहुँचे थे, यहाँ का जो मैनेजर है वो बोल रहे थे कि 2 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ गिरा था, तो बर्फ़ गिरने से क्या हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया था। थैंक गॉड कि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एडल्ट जो है पर हेड 250 रुपये, और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है, वीडियो करने के लिए 100 रुपीज़, एंड स्टील के लिए 20 रुपीज़। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखी, यहाँ पे कैश नहीं चलता है, यहाँ पे ओनली कार्ड। टिकट 3, मोबाइल 1 भी नहीं, मतलब बस पॉकेट में जाएगा, फोटो नहीं होगा उससे, जो होगा ये मेरा ये गोप्रो से ही फोटो होगा, एक ही। ओ, इससे ही भी होगा ये स्टिल। अच्छा ठीक है, और एक और 20 भी काट लीजिए, वो अगर फोन निकालेगा तो ये बोल रहा है, अगर निकालेंगे तो फिर भी ले ही लीजिए, अब ले लीजिए 20। हम लोगों का कुल मिला के पड़ा 890।
यहाँ पे कुछ सोपीस रखा हुआ है जो कि लद्दाखी ट्रेडिशन कैरी कर रहे हैं। ये रहा वेस्ट लद्दाख वॉरियर एंड दिस वन इज ईस्ट लद्दाख। देखिए इस बोर्ड पे जितना डिटेल है लिखा हुआ है, इतना पढ़ना तो नामुमकिन है, तो आप लोग खुद जब विजिट कीजिएगा तो धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तानी गन मशीन 7.62 mm। महावीर चक्र, इसके अंदर एक सोवेनियर शॉप भी है। गली है उसी में। कितनी गाड़ी है? हॉल ऑफ फेम की म्यूजियम से बाहर निकल के आपको शौर्य स्थल देखने को मिलेगा एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस टू सी द सैक्रिफाइसेस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स फॉर अस एंड द नेशन। ये देखने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हजार से भी ज्यादा समाधि है जिसमें आपको इंडो पाक, इंडो चाइना एंड रिसेंटली गलवान वैली में चाइना के साथ जो फाइट हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो सारे समाधि यहाँ पे है जो आपके आंखों में आंसू जरूर लाएंगे। जय हिंद। एरोमा कैफे के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे सोच रही हूँ थोड़ा चाय या कॉफी कुछ पी लूँ। नहीं कॉफी नहीं, चलो कॉफी पी लेती हूँ। हम लोग अभी आके पहुंचे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टिकट का क्या सीन है या क्या है। फोटोग्राफी कुछ प्रोहिबिटेड नहीं तो। ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का, अगर आप इसको पॉज करोगे तो पूरा पढ़ पाओगे कि यहाँ पे कुछ ड्रेस कोड है। फॉलो ड्रेस कोड, अवॉइड मिनी स्कर्ट्स, कैप्री शॉर्ट्स। जी कैमरा अलाउ है ना, और शू रिमूव करके यहाँ पे छोड़ू। ये क्या है कमर पे? ओके। यहाँ का कुछ रूल्स है, आप यहाँ पे अंदर वीडियो नहीं कर सकते हो ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब का, आप स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हो, और हाँ सेल्फी नहीं ले सकते हो अंदर। क्रॉप टॉप अगर पहनते हो तो आपको एक स्कार्फ या चादर या कुछ भी उससे पेट को बांधना है ताकि आपका पेट ना दिखे, ऐसे सर पे पल्ला डालना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास जैसे स्कार्फ है, मेरा एक फ्रेंड मोनीरुल ने मुझे गिफ्ट किया कुछ दिन पहले, वो भी लद्दाख घूमने के लिए आया था तो कश्मीर से लेके गया, तो मैंने ये ओढ़ लिया। जिसके पास नहीं है उसको ये लोग रुमाल प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ से लंगर हॉल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे वीडियो अलाउ है। अभी 12 बज रहा है, 5-10 मिनट में यहाँ पे लंगर लगेगा। ये देखिए पेट पे ऐसा एक बांधने के लिए दिया, क्योंकि मैं क्रॉप टॉप पहनी हुई हूँ तो ऐसे बांधने से इससे पेट नहीं दिखेगा।
राइट नाउ वी आर एट मैग्नेटिक हिल। यहाँ का जो खासियत है कि आप कार का स्टार्ट बंद कर दो तो वो ऑटोमेटिक चलना चालू हो जाएगा। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब से बस हम लोग का 2-3 मिनट लगा पहुँचने में। ये रहा मैग्नेटिक हिल, पढ़ लीजिए आप पॉज करके। ये है मैग्नेटिक हिल कैफे एंड यहाँ पे जो मिलता है देखिए अमेजिंग नेचर एंटी ग्रेविटी जोन। हैव फन फॉर एटीवी बाइक राइडिंग राफ्टिंग कायाकिंग एंड साइकिलिंग। ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। चार्जेस क्या है ये तो इंक्वायरी करने के बाद पता चलेगा। किससे इंक्वायरी करे, कोई बंदा दिख तो नहीं रहा इंक्वायरी के लिए। मैंने पूछा था एक बार तो ये पर बाइक पर पर्सन 1200 रुपीज है। लड़का लोग जो बाइक हायर किया हुआ है इसका रेट है 1200 रुपए। इसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा संगम पॉइंट जो कि इंडस रिवर के एकदम पास में है। और हम लोग इस ट्रिप पे ये रेगजिन भैया के साथ घूम रहे हैं पूरा कल से। तो चलिए रेगजिन भैया से बात करते हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम है और संगम मीन्स संस्कार रिवर और इंडस रिवर जब उधर एक जगह में मिलते हैं उसको कहते हैं संगम। संगम पॉइंट हाँ, बस कॉन्फ्लुएंस। हाँ कॉन्फ्लुएंस, यहाँ से बस आधा 1 किलोमीटर के बाद संगम पॉइंट। संगम पॉइंट ओके। हम लोग अभी संगम व्यू पॉइंट पे आके पहुंच गए हैं। यहाँ पे इंडस एंड जंस्कार रिवर का कॉन्फ्लुएंस स्पॉट है जहाँ पे जंस्कार और इंडस दोनों रिवर का संगम हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट। हाँ जी मैम, माला ले लो ना। कौन सा है? ये वाला नहीं, इस साइड वाला ग्रीन एंड रेड में ये? वो हाँ हाँ, हाँ। ये कान पे लगाने के लिए है। हाँ तो पता है 150 आपके लिए। अरे एक बार इसको खोलिए, देखिए ये इयररिंग बोल रहे कि 150 लीजिए, इसको दीजिए। ये इंडस एंड जंस्कार यहाँ पे आके मीट कर रहा है दो रिवर, तो ये है संगम स्थल। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग चल रहा है वो दूर पे, और राफ्टिंग का रेट वगैरह क्या है ये पता करके बोल रही हूँ मैं। ए राफ्टिंग कत को रे रन है? 1600 राफ्टिंग का चार्जेस यहाँ पे लगता है 1600। जस्ट अभी अभी ये लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी 2:45 बज रहा है, हम लोग का लगभग ख़त्म। इसके बाद हम लोग शांति स्तूपा जाएंगे, बट पहले हम लोग थोड़ा लंच कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी भूख लग गया और प्यास भी लग गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग पानी खरीदेंगे, पानी पियेंगे, लंच करेंगे, फिर जाएंगे शांति स्तूपा। मारियो रेस्ट्रा इस पे हम लोग अभी लंच करेंगे।
फाइनली हम लोग आके शांति स्तूप पहुंच गए हैं। देखिए ये चार्जेबल है, 30 रुपीज इसका चार्ज लगता है। अभी काफी ठंड लग रहा है, दोपहर में जैसे काफी गर्मी लग रहा था, शाम होने से तुरंत ठंड चालू हो जाता है यहाँ पे। जोइता चक्रवर्ती ब्लॉग्स, JAYITA CHARTY BLOGS यही है ना? यहाँ पे सांस फूल रहा है थोड़ा। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है, उसके लिए अच्छे से प्रिकॉशन लेके आइएगा। दार्जिलिंग में जो पीस पगोडा है ये बिल्कुल ये शांति स्तूपा जैसा ही दिखता है। अगर आप लोगों ने मेरा दार्जिलिंग वाला एपिसोड नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और दार्जिलिंग वाला एपिसोड क्लिक कीजिए। आई होप कि आप लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा सीरीज। यहाँ पे यू हैव टू रिमूव योर शूज, शूज पहन के आप ऊपर नहीं जा सकते हो। ये देखिए बुद्धा जी का एक मूर्ति। तेज बात बिल्कुल नहीं कर पा रहे क्योंकि सांस काफी फूल रहा है अभी। खासियत जो यहाँ का है ना, यहाँ का लैंडस्केप, आप यहाँ का व्यू देखिए, वो दूर पीक के ऊपर देखिए बर्फ है। धीरे धीरे सनसेट का टाइम हो रहा है तो धूप रोशनी कुछ ऐसे फैल गया जैसा विगलता हुआ सोना हो। यहाँ पे शांति स्तूपा में आके हम लोगों को काफी शांति मिल गई सच में। और ये हम लोग का फर्स्ट टाइम इन लद्दाख, तो हम लोग काफी खुश है, एक्साइटेड है, इमोशनल भी हो गया काफी। मतलब इतना दिन से प्लान बनने के बाद जब आपका ड्रीम फुलफिल हो जाए, वो सक्सेस हो जाए, तो आई जस्ट कैन एक्सप्लेन कि कितना खुशी या कितना इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। कल हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लानिंग किया कि ले से हम लोग बाइक रेंट पे लेके नुब्रा तक जाएंगे और हम लोगों का जो कार है वो उसमें लगेज जाएगा और दो बाइक रेंट पे लेके हम लोग खारदोंगला होके नुब्रा पहुंचेंगे। उसके बाद जो लोग बाइक रेंट पे दे रहे हैं वो दो बंदा भेजेंगे। जब हम लोगों का हो जाएगा लौटने के टाइम पे वो दो बंदा बाइक लेके लौट के आएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा दो बंदे का, और पेट्रोल खुद का और बाइक का चार्जेस है 1500 रुपए करके। तो वो लोग अभी नीचे आए हुए हैं रिसेप्शन में, जाके देख लेते हैं। ये देखिए ये दो बाइक है, दो हिमालयन। ये इंजन 350 cc का ना? 411। अच्छा हिमालयन इसका इंजन 411। तो हम लोग दो ले रहे हैं बस, और आपको आधार कार्ड एक जमा रखना पड़ेगा ओरिजिनल, और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स। यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ रहा है ये। और ये रहा हम लोग का 3 हेलमेट्स स्टड्स का। इस होटल में आज हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे सितंबर के एंड से ऑफ सीजन हो जाता है और 15 अक्टूबर से तो रोड ऑफिशियली क्लोज हो जाता है, जितना पासेस है सब क्लोज हो जाता है। बस हम तीन, इसलिए आज बफेट नहीं लगाए ये लोगों ने, बट स्पेशली हम लोगों के लिए अच्छे से खाना बना के दिए है। देखिए ये फूल गोभी, चिकन राइस, ये मशरूम। कल मैं एक बार बोली थी कि मशरूम अच्छा लगता है तो ये लोगों ने बना के दिया। ये दाल है, मतलब इतना अच्छा ये लोगों का बिहेवियर, यहाँ का मेहमान नवाजी बहुत अच्छा है। मतलब कोई कभी इरिटेट नहीं होते हैं, अब पिछली बार जो बोलो, मतलब अब जब आओगे यहाँ पे एक बार रुक के रखिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर, गरम रोटी खाओ सर। जी ये देखिए रोटी आ गया गरम गरम। और ये भैया आपका नाम क्या है? मोतीलाल। मोतीलाल भैया, ये भैया हम लोग के कोलकाता से ही है जी। बहुत अच्छा है ये भैया, और सभी हरेक यहाँ पे कोई भी सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और ये लोगों का होटल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। खाना का जो टेस्ट है ना,
घर में आप लोग जैसा खाना खाते हो बिल्कुल वैसा टेस्ट है। अभी डिजर्ट में हम लोगों को क्या मिल रहा है मालूम है? रसगुल्ला। लद्दाख में आके रसगुल्ला मिल रहा है हम लोगों को, देखिए। काफी अच्छा है, कोलकाता जैसा नहीं है लेकिन अच्छा है। अभी आज 29 सितंबर हो गया और कल रात में ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा नींद भी आ गई थी और टायर्ड भी हो गई थी, और आज सुबह सुबह नुब्रा के लिए भी निकलना था तो सो गई थी। तो आज ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना भी ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये 65 इयर्स तो कोलकाता से बाइक लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या बोलना, हैट्स ऑफ वी बन गया। हाय हाय।